दृष्टि शहर का सबसे पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम, घड़ी, मोबाइल, चश्मे, पर्स, बेल्ट और मोबाइल की रिपेयरिंग उचित दाम पर। पता है म्युनिसिपल स्कूल के बाजू से। शारदीय नवरात्रि पर हिंदू और मुस्लिम ने कौमी एकता की मिसाल पेश करते हुए जुगाड़ की ट्रेन और देवी प्रतिमाएं बनाई हैं, जहां ट्रेन में विराजी माँ दुर्गा के नौ रूप वट वृक्ष की परिक्रमा कर रही हैं। ये नज़ारा एमपी के नरसिंहपुर जिले के निवारी गांव का है, जहां ये गांव आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नवरात्र का त्यौहार नरसिंहपुर जिले में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहां पर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के लोगों में काफी उत्साह है। इसी को लेकर नरसिंहपुर के निवारी गांव के ग्रामीणों ने मिलकर खास आयोजन किया। गांव में निवास करने वाले हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर अपने घर पर कबाड़ के सामान से एक ट्रेन का निर्माण किया और उस ट्रेन में माता रानी के नौ रूपों की स्थापना की गई है। बाइक के इंजन से चलने वाली जुगाड़ से बनी ट्रेन में देवी के नौ रूपों को स्थापित किया गया है। चलित ट्रेन से गांव के प्राचीन वट वृक्ष की परिक्रमा कर रही हैं। इस आयोजन को और नौ रूपों के दर्शन करने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ जमा हो रही है। आयोजकों का कहना है कि इस काम में गांव के मुस्लिम परिवार के युवक रहीम से लेकर गांव के हर वर्ग के लोगों ने मदद की है और अब हमारे गांव में कौमी एकता की मिसाल पेश करते हुए गांव का नाम जिले भर में रोशन हो रहा है। यहां रोजाना देवी गीतों का स्थानीय कलाकारों द्वारा संगीतमय आयोजन और महाआरती की जाती है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर धर्म लाभ ले रहे हैं। लगभग हम 25 साल से ये काम कर रहे हैं और नौ देवियों का हमने निर्माण किया है। कोई पैसा खर्चा कोई लेन नहीं, कोई लेन देन नहीं लेता हम लोग, कोई पैसा ऐसा की बात नहीं होती। हम लोग यहाँ श्रद्धा भाव से काम करते हैं। आप मुस्लिम हैं और देवी माँ की मूर्ति का निर्माण करते हैं, ये इससे क्या होता है? ये तो हमारा धंधा भी है, इसलिए हम लोग ये करते रहते हैं। भाई गांव के सहयोग के हिसाब से काम करते हैं हम तो, का भाई गांव का वर्चस्व बना रहे, इस वजह से हम लोग ये काम भी कर लेते हैं। पैसा तो हम चाहे जब कमा सकते हैं। नवरात्रि में कैसा उत्साह गांव में रहता है? बहुत मज़ा आता है, बहुत शानदार, जैसे स्वर्ग बन गया हो यहाँ पर। इस गांव पे खास बात ये है कि माता रानी की कृपा हमेशा रही है और हम लोगों के दिमाग में आया कि एक क्यों ना पुराने जो इंजन होते हैं उनसे एक ट्रेन का निर्माण किया जाए और देवी माई की नौ मूर्तियों का क्यों ना उनकी परिक्रमा कराई जाए। तो इस जब हमें कार्य किया तो इसमें हम सफल रहे और इस सफलता में हमारे पूरे गांव का बराबर सहयोग रहा है और माता रानी की कृपा हुई और नौ मूर्तियां पूरी परिक्रमा करने लगी। हम लोग सब यहाँ नरसिंहपुर से आए हुए हैं देवी जी के दर्शन करने के लिए। काफ़ी नाम सुना था कि यहाँ पर नौ देवी जी के नौ स्वरूप हैं और वो ट्रेन में चल रही हैं और यहाँ आके भी बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हैं और बहुत ही अच्छी स्थापना की गई है। नरसिंहपुर से अनुज ममार, सागर टीवी न्यूज। समय दृष्टि सागर शहर का सबसे पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की ब्रांडेड घड़ियाँ, चश्मे, मोबाइल, पर्स, बेल्ट और सभी प्रकार की एसेसरीज और सभी प्रकार की घड़ियाँ और मोबाइल की रिपेयरिंग उचित दाम पर। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है म्युनिसिपल स्कूल के बाजू से, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9131345288, 9424788000।